प्लास्टिक एक ऐसा इन्वेंशन जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ऐसी चीज़ जो हल्की होने के साथ साथ बहुत मजबूत भी होती है, और इसकी लाइफ साइकिल का तो क्या कहूँ, कई सैकड़ों सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। मतलब एक बार बन गया तो बन गया, अब आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। इसका इन्वेंशन अराउंड 19th सेंचुरी के मिडल में हुआ और धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन होता गया, और वर्ल्ड वार टू के बाद तो प्लास्टिक ने मानो एक क्रांति ला दी और इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो गया। धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे कि टॉयज, बोतल, पॉलीथीन बैग्स, टूथब्रश, स्टेशनरी आइटम्स, किचनवेयर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, होमवेयर, आईवेयर, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको गिनना मुश्किल है। वो 1970 से 2000 तक बहुत ही तेज़ी से प्लास्टिक का मार्केट ग्रो होने लगा, और 21st सेंचुरी में तो ऑलमोस्ट 70% प्रोडक्ट इससे बने लगे हैं, और इसका मार्केट तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और अभी आज के टाइम में तो ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी का चलन बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्लास्टिक पैकेजिंग भी बढ़ गई है। इसलिए ऑलमोस्ट 40% प्लास्टिक का यूज़ पैकेजिंग के लिए होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ अपने साथ एक बड़ी प्रॉब्लम लेके आती है, और प्लास्टिक की सबसे बड़ी खासियत ही हमारे इन्वायरमेंट, हमारी मदर अर्थ और पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई, और इसने प्लास्टिक पॉल्यूशन का रूप ले लिया। आजकल हर जगह बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक, सड़कों पर, नदियों में, नालों में, हमारे घरों में, घर के बाहर आंगन में, तालाब में, समुंदर में, हर जगह। इस प्लास्टिक कचरे को जहाँ इकट्ठा करके डिस्पोज किया जाता है, इसके डिकम्पोजिशन नहीं होने की वजह से वहाँ बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, और कभी कहीं पर ये लैंडफिल्स का कारण बन जाते हैं। बड़े बड़े महानगरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु में तो ये पॉलीथीन बाढ़ का कारण बन जाती है, क्योंकि ये पानी के साथ बहकर नालों में जाती है और ड्रेनेज को ही ब्लॉक कर देती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। दूर दराज गाँव में तो लोग प्लास्टिक को जलाते हैं और इसके धुएं से गंभीर बीमारियों को निपटते हैं, क्योंकि उन अनजान लोगों को इसके जहरीले धुएं के बारे में नहीं पता। उन बेजुबान जानवरों को भी नहीं पता कि ये प्लास्टिक उनके पेट में जाके उनकी मौत का कारण बने, क्योंकि हम लोग तो कोई भी खाने पीने की चीज़ पॉलीथीन में भर के फेंक देते हैं, और भूख के कारण ये जानवर प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। उन समुद्र में तैर रही मछलियों को भी नहीं पता कि वो क्या खा रही है, क्योंकि ये प्लास्टिक समुद्र में जाकर टूट जाता है और टूट कर माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, और मछलियाँ जाने अनजाने में इस माइक्रो प्लास्टिक को भी खा जाती है। और तो और एक सर्वे में पाया गया कि हम इंसान भी एक वीक में एक डेबिट कार्ड के वजन के बराबर प्लास्टिक जाने अनजाने में खा लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी खाने पीने की चीज़ें प्लास्टिक पैकेजिंग में होती है, और समुद्री जीव भी अनजाने में माइक्रो प्लास्टिक खा लेते हैं, और सी फूड्स में भी प्लास्टिक होए गए। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर हम ऐसे प्लास्टिक को यूज करते रहें तो साल 2050 तक ओशन में फिशेज से ज़्यादा प्लास्टिक मिलेगा, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारी अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन रहा है, एंड देयर इज़ नो प्लैनेट बी, वी आर ओनली हैविंग अर्थ। इसलिए हमारे एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ, हमारा इकोसिस्टम और हमारे कल को बचाने के लिए आज से ही प्लास्टिक छोड़ें, और एक सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, प्लास्टिक फ्री जिंदगी जिए, और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए इनकरेज करें।